दोस्तों आज हम मेरठ शहर के अंदर NH 58 पर बैठे हुए हैं। मैं इतिहास के कुछ पन्ने पलटना चाहता हूँ। 1857 की आज़ादी की जंग का बिगुल जो बजा तो वो मेरठ की धरती ही थी। इसे क्रांतिकारी नगरी भी कहा जाता है। अब क्योंकि ये क्रांतिकारी नगरी है, यहाँ के लोगों में जोश और खरोश होता है। अगर कोई और माहौल नहीं है तो यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत ज़बरदस्त दंगे हुए हैं, और ये दंगे आज़ादी के बाद से लगभग 1987 तक चलते रहे। 1987 का समय आया, दंगे शहर के अंदर बहुत बुरी तरह से भड़कते थे। उन दंगों ने ही मेरठ को मेरठ बाईपास दिया, बाईपास वजूद में आया। बाईपास बहुत सिंगल रोड था, इसमें डबल रोड नहीं हुआ करता था, तो बहुत दिन तक इस बाईपास को लोगों ने खूनी बाईपास कहा। परंतु जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, देश की सरकारों ने इसका विकास किया, तो आज ये डबल है। ये वही NH 58 है जो देवभूमि को जोड़ता है और देश की राजधानी को जोड़ता है। यहाँ जिस समय हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये NH 58 का लास्ट है। इसके बाद में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने संक्षिप्त में आपको ये इतिहास बतलाया। आज हम जो है हरियाणा पंजाब होटल के पास बैठे हुए हैं। यह हमारे क्षेत्र का और लास्ट इस NH 58 का बहुत प्रसिद्ध ढाबा है। और आओ मैं आपको एक बाहर का एक दृश्य दिखलाता हूँ कि यहाँ पर इसके अलावा और क्या क्या खूबियाँ हैं। तो आप ये रोड चलता हुआ देख रहे हैं, इधर की जो वाहन इधर जा रहा है ये दिल्ली की तरफ जा रहा है, उधर से जो वाहन इधर जा रहा है ये सारा वाहन देवभूमि के लिए जा रहा है, यानी हरिद्वार, ऋषिकेश और केदारनाथ, बद्रीनाथ का एक यही रास्ता है जो हमारे तीर्थ स्थलों तक जाता है। और गर्मियों के दिनों में यहाँ बहुत भीड़ भड़कता रहती है, और आज भी कम भीड़ भड़कता नहीं है। इसी तरह से यहाँ हम बैठे हुए थे, ये हमारे कंफेक्शनरी है, ये साल भर पूर्ण खुली है। और इससे ये हरियाणा पंजाब की बात करें तो हरियाणा पंजाब दुनिया ठीक हुआ तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर लोगों की गैदरिंग हुई, और बहुत उम्दा बेहतरीन खाना मिलता है, हर तरह की सुविधा है। और ये लोग अपने, इनका व्यवहार भी अच्छा है, और ये वैसे तो क्रांतिकारी नगरी के लोग हैं लेकिन है बहुत प्रेमी। जय हिंद, जय भारत।